मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सिक्स सब्जेक्ट साइंस चैप्टर सेवन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग आपका पार्ट फर्स्ट है। तो इन अवर डेली लाइफ वी सी अ लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स। हाँ, अपने रोजाना की जिंदगी में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लिविंग थिंग्स देखते हैं। ऑल दीज थिंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, और सारी चीजें एक दूसरे से अलग, तो ये सारी चीजें एक दूसरे से अलग होती हैं। दे डिफर इन कलर, हर चीज का कलर अलग होता है, साइज अलग होते हैं, शेप्स अलग होते हैं, एक्सेट्रा, और भी चीजें। दे मे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑल्सो, और सबकी प्रॉपर्टीज होती हैं, वो भी सब अलग होती है। वी सम बिकम अकर पेपर पेंसिल फर्नीचर बर्ड्स ट्रीज एनिमल्स एक्सेट्रा ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक साइंटिस्ट डिवाइड दिस थिंग इन टू अ टू ग्रुप। तो बिकम अकर्स, जैसे कि हम पेपर पेंसिल फर्नीचर बर्ड्स ट्रीज एनिमल्स ये सब देखेंगे, तो इन सबके कैरेक्टर्स से सब कुछ साइंटिस्ट ने हर चीज को अलग अलग ग्रुप्स में बांट रखा है। तो इनके दो ग्रुप्स होते हैं, एक तो लिविंग थिंग्स होता है और दूसरा नॉन लिविंग थिंग्स। इससे पहले चैप्टर्स में आपने लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ा होगा, तो इसमें कुछ अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन है। लिविंग और नॉन लिविंग थिंग, द लिविंग थिंग, द थिंग्स दैट हैव लाइफ इन देम आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स। जिसके अंदर जान होती है वो लिविंग थिंग्स होते हैं, जिनके अंदर लाइफ होती है, जैसे कि प्लांट, इंसेक्ट्स, एनिमल, ह्यूमन बीइंग आर लिविंग थिंग। तो ये सारे लिविंग थिंग हो गए। द थिंग्स दैट डू नॉट हैव लाइफ, जिनके अंदर लाइफ नहीं होती है, इन देम आर कॉल्ड, और तो ऐसे निर्जीव चीजों को जिनके अंदर जान नहीं होती है उन्हें नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। जैसे कि वुड, पेपर, सन, मून, स्टोन आर सम नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग कैन बी अ नेचर और मैन मेड स्टोन्स। तो नॉन लिविंग थिंग्स दो तरीके की होती है, एक तो नेचुरल भी हो सकती है और दूसरी मैन मेड भी होती है। मैन मेड जो मनुष्य बनाते हैं, जैसे कि स्टोन, वुड, सन, मून, ये तो मैन नेचुरल हो गए क्योंकि ये सब प्राकृतिक है। स्टोन, वुड, सन, मून ऑन द नेचुरल नॉन लिविंग थिंग, वेयर एज ग्लास, प्लास्टिक, पेपर ये सारे मैन मेड है, जो इंसान बनाता है ये मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग, दे आर मेनी कैरेक्टरिस्टिक डेट आर यूनिक टू लिविंग थिंग, दे कैन मूव, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। लेट अस स्टडी द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग इन डिटेल। तो अब आप हम इस पूरे चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे लिविंग थिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं इन सबकी बॉडी सेल्स से बनी होती है। लिविंग थिंग हैव अ डिफाइंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, अवर बॉडी मेड अप ऑफ बिलियन ऑफ सेल्स। हमारी बॉडी जो है बहुत सारी बिलियंस सेल से मिलकर बनी है। सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो एक बहुत छोटा स्ट्रक्चर है जो फंक्शनल यूनिट का हमारी जिंदगी में, इट इज लाइक अ हाउस बिल्ड ऑफ ब्रिक। जैसे कि ईंटों से मिल मिलकर एक घर बनता है, तो उसमें कितनी ईंटें लगी होती है ये हमारे लिए गिनना मुश्किल होता है। तो ऐसे ही जाने कितने सेल्स से मिलकर हमारी बॉडी बनती है। ईच सेल इज लाइक अ कंपार्टमेंट विच कंटेन अ राउंड पार्ट इन अ सेंट्रल पार्ट द न्यूक्लियस। तो सारे सेल्स जो है मिलके एक न्यूक्लियस बनाते हैं डेट कंट्रोल द फंक्शन ऑफ सेल्स, जो कि सेल्स का फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल डेट परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन फ्रॉम टिश्यू। और एक ग्रुप होता है सेल्स का, वो एक अलग अपना फंक्शन करते हैं, अलग अलग फंक्शंस करते हैं, अपना अलग अलग कार्य करते हैं। तो ऐसे जो ग्रुप होते हैं सेल्स के उन्हें टिश्यू कहते हैं। ए ग्रुप ऑफ टिश्यू परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर फंक्शन इन द बॉडी फ्रॉम अ ऑर्गन। और ऐसे ही टिश्यूज के ग्रुप से ऑर्गन बनता है। एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन इंटरेक्टिंग विद वन अदर परफॉर्म इज पर्टिकुलर लाइफ प्रोसेस द फ्रॉम एन ऑर्गन सिस्टम। और सारे ऑर्गन्स जो हैं वो मिलाते एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे कि आपके पेज नंबर 73 को ऊपर रखा है, ये सेल्स हैं। जब ये बहुत सारी सेल्स आपस में मिल गए तो ये टिश्यू बन गया। जब टिश्यू बहुत सारे आपस में बनते हैं तो एक ये ऑर्गन बनता है, और जब ये बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में मिलते हैं तो ये ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। इन कॉन्ट्रास्ट देयर आर सम स्मॉल ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिंगल सेल से बने होते हैं। ऑन द बेसिक ऑफ द नंबर ऑफ सेल एनिमल्स कैन बी क्लासिफाइड एज यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। ऐसे ही जानवरों को भी दो भाग में डिवाइड किया गया है, एक तो यूनिसेलुलर और एक मल्टीसेलुलर। अमीबा, पैरामीजियम, ईस्ट विच हैव द सिंगल सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर। जो कि सिंगल सेल से बने होते हैं उन्हें यूनिसेलुलर कहा जाता है, और जो सिंगल सेल से नहीं मल्टीपल सेल से बने होते हैं उन्हें जो है जो
जो मल्टीपल सेल्स से बने होते हैं उन्हें मल्टी सेलुलर कहा जाता है। तो जैसे कि अमीबा हो गया, पैरामीजियम हो गई, ये सारी सिर्फ एक एक सेल से बनी होती है, इन्हें यूनिसेलुलर बोला जाता है। सो फूड एंड न्यूट्रिशन, ऑल लिविंग थिंग नीड फूड इन ऑर्डर टू ऑप्टिम एनर्जी। सारे लिविंग थिंग्स को जिंदा रहने के लिए या फिर ताकत के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, टू ग्रो एंड टू रिपेयर देयर बॉड एंड आउट सेल एंड टिश्यूज, और अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, अपनी सेल्स को ठीक करने के लिए भी उन्हें रिपेयर करने के लिए फूड की जरूरत पड़ती है। एनिमल डिपेंड ऑन प्लांट ऑन देयर फूड, और एनिमल्स भी प्लांट पे और फूड पे डिपेंड होते हैं, बट प्लांट्स प्रिपेयर देयर ऑन फूड, पर जो प्लांट्स होते हैं ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। डेट इज वाई प्लांट आर कॉल्ड द ऑटोट्रॉप्स, इसलिए प्लांट्स को ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। एंड दिस मेड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और जो अपने लिए स्वयं न्यूट्रिशन बनाते हैं उसे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। द प्रोसेस वाई विच लीव्स मेक फूड ऑन द प्लांट इज कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस, और जो लीव्स होती हैं खाना बनाती हैं तो इसको फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। सनलाइट से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन में लोग सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड में लेते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, और आपके अंदर ये पूरी ये पूरी प्रक्रिया दिखाई रखती है आपको, वो फोटोसिंथेसिस की है। ये द फूड इज ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट वेयर टिश्यू प्रेजेंट इन द प्लांट, जो प्लांट्स में छोटे छोटे टिश्यूज होते हैं ये पूरे प्लांट्स तक भोजन को पहुंचाते हैं। नॉन ग्रीन प्लांट्स एंड एनिमल डू नॉट मेक देयर ओन फूड, जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जो हरे प्लांट्स नहीं होते हैं, जो हरा या फिर हरा पार्ट नहीं होता है प्लांट का, ये भोजन नहीं पहुंचाता है। दे डिपेंड डायरेक्टली ऑन ग्रीन प्लांट ऑफ देयर फूड, ये सिर्फ जो हरा पार्ट होता है प्लांट्स का उसी पर ही डिपेंड होते हैं। दिस मेथड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड द हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, तो इस तरीके का न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाता है। एनिमल आर नॉन ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स, और जो एनिमल्स होते हैं एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं उन्हें हेटरोट्रॉप्स कहते हैं, जो दूसरों पर निर्भर होते हैं, और जो खुद बनाते हैं वो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाते हैं, और जो दूसरों पर निर्भर होते हैं वो हेटरोट्रॉप्स कहलाते हैं। नॉन लिविंग थिंग डू नॉट नीड और ईट फूड, जो निर्जीव होते हैं जिनकी जान नहीं होती उन्हें भोजन की भी जरूरत नहीं होती है। योर टेबल और बेड डू नॉट ईट एनी फूड, जैसे कि योर टेबल आपका टेबल है बेड है ये कोई खाना थोड़ी खाते हैं। रेस्पॉन्स टू स्टिमुली, स्टिमुली का रेस्पॉन्स में देखेंगे, वॉट हैपन इफ यू एक्सीडेंटली टच अ हॉट पैन,